521 रुपए लग गया यहाँ। अच्छा तो 501 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का किसान भाइयों अपना टॉप भारत चैनल में। दोस्तों आज हम इस समय मौजूद हैं ठडिया क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आलू की खुदाई जो है बराबर चल रही है, कहीं ना कहीं बारिश के बाद का जो आलू है उसकी खुदाई चली रही है। तो ठडिया मंडी में यहाँ से जो आलू जाता है, क्या कारण है यहाँ का, क्या जो आलू क्षेत्रीय लोग हैं, ठडिया के क्षेत्र के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आलू कानपुर भी लेके जा रहे हैं, ठडिया मंडी में उनका रुझान कम है, क्या क्या कारण है, वो सब उन बातों में आज हम किसान भाई जो यहाँ के हैं उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आलू जो है पीछे का जो था वो लोडिंग होके, हालांकि यहाँ का जो ये इस खेत का आलू है वो कहीं ना कहीं ठटिया मंडी ही जाएगा। क्या कैसा आलू का भाव खेत में यहाँ पे लगा इनका और क्या भाव चल रहा है मंडी में, उससे हम किसान भाई से बात करेंगे। कितना पैदावार है, कितना निकल रहा है आलू का, हम अगर आपको साइज दिखाएं तो साइज तो काफी अच्छा है, पैदावार भी बढ़िया है। देख सकते हैं आप लोग आलू का जो साइज है वो काफी अच्छा है, पैदावार भी सही है और पैदावार आप लोग देख सकते हैं एक गूंजे में अच्छा एक पैदावार निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों आलू कौन सा है, ये कंचन है शायद, ये कंचन है ना। अब हम पैदावार दिखाएंगे, बल्ली उछकाना थोड़ा ऊपर। ये पैदावार काफ़ी बढ़िया है, साइज भी आलू का काफ़ी बढ़िया है। तो 100 पैकेट क्रॉस कर चुके हैं, जो 100 पैकेट भर चुके हैं और 3 बीघे का शायद खेत है ये। तो हम बात कर लेंगे यहाँ से किसान भाई पे पूरे खेत में यही। और अगर चमक देखें तो चमक भी काफ़ी अच्छी है आलू की, जो बढ़िया लाइटदार आलू भी बढ़िया निकल रहा है। तो भाव भी सही सलामत ही भाव मिल जाएगा इसका, देख सकते हैं आप लोग बढ़िया एकदम आलू जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू निकल रहा है। अब इसका भाव क्या मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे किसान भाई से कि यहाँ पे कोई अगर भाव इनको मिला है क्या नहीं मिला है। तो बात करते हैं, आओ चाचा डग डार करे धीरे बताओ आज। हाँ इधर भाई, बस इधर रख ले यहीं। क्या रहा भैया आपका? अच्छा ये कितना खेत था? 3 बीघा। कौन सा आलू था ये? कंचन आलू। अच्छा पैदावार तो बढ़िया निकल रही है ना, और का? कितना पैकेट भर चुका है? 100 भर गए। अच्छा कहाँ ठडिया मंडी जाएगा? ठडिया क्या रेट है इसका, जो आलू अपना ये कंचन वाला आलू है इसका क्या रेट है? 500-550 रुपए। सफेद आलू का भाव क्या चल रहा है? 400। अच्छा इसका खेत में कोई भाव लगा है? 521 रुपए लग गया यहाँ। अच्छा तो 501 रुपए। अच्छा हमारे भैया जो आलू खोद रहे हैं ये बता रहे हैं कितने रुपए लगा भैया। तो किसान भाइयों ये अपडेट था, जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि खेत में 521 रुपए हालांकि लग चुका है आलू। आलू काफी अच्छा है, बड़ा भी है, साइज भी बढ़िया है और चमकदार आलू है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई ने यहाँ पे नहीं दिया है और देख रहे हैं ये ठटिया मंडी ले जाके, तो बोल रहे हैं कि 550-551 रुपए तो मान के चलो इसका भाव मिल ही जाएगा। तो क्या कैसा भाव है वो हम बात करेंगे उसको ठटिया मंडी में जाके और वहाँ का रेट देंगे। हालांकि वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से हम दोस्तों ठटिया मंडी में अपडेट आपको नहीं दे पा रहे हैं और बहुत ही जल्द ठटिया मंडी से भी आपको अपडेट मिलने स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ अगर सफ़ेद आलू की अगर हम बात करें तो 400 का रेट ही है, 350-400। और लाल आलू जो बढ़िया है ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बढ़िया आलू जो है ना, तो इसका 550 रुपये, 560 रुपये, 570 रुपये, ऐसे ना कहीं 500-550 रुपये तक का भाव अच्छे से मिल ही जाता है। तो ये यहाँ का ठटिया क्षेत्र का अपडेट है। तो चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें ताकि जो यहाँ ठटिया क्षेत्र के जो किसान हैं उनका कहीं ना कहीं आरोप है वो मंडी जाके ये आढ़ती लोगों से दुकानदारों से कहीं ना कहीं पता करेंगे, क्योंकि ठटिया मंडी में जो वजन है वो वजन की बराबर लोग मांग कर रहे हैं लेकिन वजन नहीं होता है, कहीं ना कहीं पैकेट के हिसाब से ही आलू बिकता है। तो कानपुर के हिसाब से मन के हिसाब से आलू बिकना चाहिए, ये किसान भाइयों की यहाँ की मांग है, उसको लेके हम बात करेंगे जाके। तो चैनल पे बने रहिएगा, धन्यवाद।